भैया मुझे 5,000 रुपया दीजिए, मुझे अपने सहेलियों के साथ पार्टी करना है। ए लो 200 रुपया, किसी पार्टी उठी में खर्च मत करना, अपने लिए कोई कापी किताब खरीद लेना। रख लीजिए अपना पैसा, मैं आपसे कोई भीख नहीं मांग रही हूँ। अरे इसे क्या हो गया है? अरे राधिका तुम बड़ी उदास लग रही हो, लगता है तुम्हारा भाई फिर डांटा है। अरे टोटका अंकल, वो मेरा भाई नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन मन तो करता है अभी जाके उसे मार डालूं। अरे राधिका वो तुम्हारा सौतेला भाई है, घर में ही काट के तुझे दफना देगा, उससे पहले तू ही उसे मार डाल। सुन हेले, मेरा बूटी उसे खिला देगी, वो मर भी जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल ले। बहन मैं शहर जा रहा हूँ, थोड़ा दही और गुड़ लाओ। थोड़ा दूर के सफर पे जा रहे हैं, सुने हैं दही और गुड़ खाने से जतरा बन जाता है। ठीक है लेकर आती हूँ। अच्छा तो दही खाकर जतरा बनाएगा? अभी मैं टोटका का दिया हुआ बूटी इस दही में मिलाई थी, वो खाएगा और मर जाएगा और हमेशा के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा। अरे छोटी मालकिन मालिक को मारने की बात कर रही है। भैया ये लीजिए दही। अरे बड़े मालिक की दही मत खाइए। क्या बात है गुड़िया आंटी? अरे बड़े मालिक छोटी मालकिन दही में जहर मिलाई है आपको मारने के लिए। नहीं नहीं आंटी, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ भैया, मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती हूँ, नौकरानी हम दोनों में झगड़ा लगा रही है। नहीं मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, एक बार अपने बहन से बोल दीजिए दही खाने के लिए। अरे आंटी अब वो क्या हो गया है, बहन लो थोड़ा सा खाकर दिखा दो। नहीं नहीं भैया, मैं दही नहीं खाऊंगी, मुझे दही खाने से एलर्जी हो जाता है। अरे बहन थोड़ा सा खाकर आंटी को दिखा दो। नहीं नहीं मैं दही नहीं खा सकती। क्या इसका मतलब तूने दही में जहर मिलाया है? अरे बहन मैं तो तुझे इसीलिए डांटता बोलता हूँ ताकि दुनिया वाले ये ना कहे कि बाप माँ के मरते ही भाई ने बहन को बिगाड़ दिया। बहन मैं तुझे इतना ही बुरा लगता हूँ तो ये दही मैं खा ही लेता हूँ। नहीं भैया दही मत खाइए। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं दूसरे के बहकावे में आके आपको मारने चली थी।